गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 25 लाख रुपए की लूट की गई। बताया जा रहा है कि दो बाइक पर तीन बदमाश आए। बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके लाखों रुपए की लूट की और लूट के बाद क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी। मौके पर सूचना पाते ही पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस की छानबीन में अभी तक सामने आया है कि इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन अपनी लाखों रुपए एचडीएफसी बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी अचानक बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। वही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर भी लगातार जांच में जुटी हुई है। डायल 100 पे 100 नंबर पे सूचना आई थी कि अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है, ये अपना कैश जो सेल का कैश था उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे, तो उनसे दो मोटरसाइकिल पे तीन बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं उसका बैग छीन लिया। तीन बदमाश बता रहे हैं, दो मोटरसाइकिल पे, एक अपाचे और एक स्प्लेंडर पे। इन्होंने बताया कि तीन बदमाश थे और उन्होंने ये पैसा छीन के वापस इसी यू टर्न लेके भागना बताया गया है। हाँ, पीड़ित ने बताया है कि तीन राउंड फायर उन लोगों ने किए हैं बैग छुड़ाने के लिए। जब पीड़ित हैं जो बैग नहीं रहे तो उनको छुड़ाने के लिए तीन राउंड फायर होना बताया गया। हरदोई के टडियावा थाना इलाके में ठेला लगाने वाले व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता और बेटे समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या के मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि ठेला लगाने वाले व्यापारी की हत्या शराब पीने के लिए महज 150 रुपए मांगने को लेकर हुई थी। थाना टडियावा में 100-150 रुपए की मांग को लेकर के ये मृतक राजेंद्र की हत्या कर दी गई थी उसके गाँव के ही पांच व्यक्तियों द्वारा। इसमें दो लोगों के विरुद्ध नामजद व तीन अज्ञात मुकदमा कायम हुआ था। इस संबंध में गांव के पप्पू और रघु और तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त फरार है। पैसे किस लिए मांग रहे थे? पैसे और शराब पीने के लिए मांग रहे थे। 100-150 का ही अमाउंट था। बैंकों के निजीकरण सहित अन्य सरकारी फैसलों के विरोध में कई कर्मचारी यूनियन की हड़ताल के कारण देश भर में बैंक अगले चार दिन तक बंद रहने वाले हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया। वहीं चौथा शनिवार होने के कारण 26 और रविवार होने की वजह से 27 को भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं बैंक के हड़तालों के कारण लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जो हमसे टकराएगा जो चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा जो चूर हो जाएगा। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार की कमी है, वो सरकार की कमी है, वो सरकार की कमी है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी। आज बैंक दो दिन हड़ताल पे चल रहा है और निश्चित ही इससे जनमानस में छोटे या बड़े सभी व्यवसायी परेशान हैं, क्योंकि सबका टैक्सेशन का मैटर है, सबका इंश्योरेंस सेक्टर का मैटर है, सबका प्रीमियम जमा करना है, सबको जितनी सुविधाएं टैक्स मुहैया कराई जाती है सब लेने का वक्त था ये दो तीन दिन। और ऐसे में आज इन्होंने हड़ताल करके बहुत नुकसान किया है। अभी तक हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं 5,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है अब तक, ये जो लग रहा है। बैंक बंद होने से देखिए क्या होता है कि हर व्यवसायी जो होता है अपने टारगेट्स को पूरा करता है और एंड ऑफ द मंथ सब लोग जानते हैं कि सभी कंपनियों का या व्यवसायिक अपने सारे कार्य को पूरा करने के लिए 31 मार्च को एक डेट रखता है करने के लिए। हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण बंद हो और कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद हो और
यही सब मांगे हैं हमारी। सर पिछले कई सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं, तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप लोग? अपील करेंगे कि हमारी मांगों पर विचार करें, माने हमारी जायज मांगे हैं उस पर विचार करें। पिछले कई सालों से आप लोग कर रहे थे सर, अगर आप लोग निजीकरण का विरोध करें तो इसका असर आपके बच्चे पर भी जाए, कैसे देखते हैं? बच्चे पर पड़ेगा, जैसे पुरानी पेंशन उसे माने जीविका चलती थी, अभी कुछ नहीं मिलेगा।